Please subscribe to Mahi and Mani show and press on the bell icon to be updated with all our videos. Hello everybody, welcome back to our channel. So friends, ये मेरा finger up आपके इसका fourth video है. तो अभी तक हमने 3 videos मैंने बना दिए हैं, उन्हें upload कर दिया है. And उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे plus करते हैं, कैसे minus करते हैं fingers के through. And the most important जो हम अभी सीख रहे हैं, small friend formula में plus one और minus one का हम सीख रहे थे. Yes. तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, दैट इज प्लस टू माइनस टू, जो भी उसके आगे का है वो हम कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर दैट आप लोगों के लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट है, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं. तो ये असाइनमेंट में क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको करना क्या है, दैट इज कि आपका टाइमिंग बहुत जरूरी है. आप कितने मिनिमम से मिनिमम टाइमिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो अगर आप इसे बहुत कम समय में सॉल्व कर लो तो कर लेते हो, यानी बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा लिटिल चार मनी अभी सॉल्व करेगा. ओके, सो मैं उसको बुलाती हूँ. ओके, सो नाउ आवर लिटिल चैंप मनी इज हियर. सो मनी, आर यू रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? यस, आई एम रेडी. ओके, सो हियर इज योर टाइमर एंड नाउ यू ऑल कैन सी इट इज ऑन जीरो. सो आई विल स्टार्ट. ओके, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी. सो 1 2 3 गो. 33 माइनस 21 प्लस 6 माइनस 5 13. वेरी गुड. 27 माइनस 16 प्लस 2 प्लस 5 18. वेरी गुड. 53 प्लस 35 माइनस 7 प्लस 2 83. वेरी गुड. 11 प्लस 67 माइनस 8 प्लस 5 75. वेरी गुड. 61 प्लस 35 प्लस 2 माइनस 7 Repeat again. That is 61 plus 35 plus 2 minus 7. 91. Very good. 63 plus 15 minus 7 plus 5. 76. Very good. 89 minus 76 plus 5 minus 8. 10. Very good. 71 plus 11 plus 1 plus 5. 88. Very good. 23 plus 65 minus 8 plus 2. Repeat again. 23 plus 65 minus 8 plus 2. 82. Yes. 44 minus 22 plus 5 minus 6. 21. Very good. 57 minus 56 plus 5 minus 6. 0. Very good. 89 minus 38 plus 6 minus 5. 10. That is 89 minus 38 plus 6 minus 5. 52. Very good. 35 plus 13 plus 1 minus 8. 41. Very good. Now 24 plus 11 plus 3 minus 2. 36. Very good. 64 plus 21 plus 2 plus 2. 89. Very good. 48 plus 51 minus 5 plus 1. 95. Very good. 29 minus 15 plus 1 plus 4. 19. Very good. 52 plus 32 plus 1 plus 3. 88. Very good. 18 minus 12 plus 3 minus 5. 4. Very good. 43 plus 51 plus 1 plus 1. 96. Very good. 54 plus 21 plus 3 plus 1. 79. Very good. 74 plus 21 plus 3 minus 6. 92. Very good. 86 minus 65 plus 3 plus 1. Repeat again. 86
माइनस 65 प्लस 3 प्लस 1 25 वेरी गुड एंड 2 आर हियर 35 माइनस 1 प्लस 15 प्लस 15 माइनस 12 37 वेरी गुड 95 माइनस 1 माइनस 22 प्लस 15 87 वेरी गुड सो आप लोगों ने देखा एक सेकेंड सो यहाँ देख सकते हो आप लोग दिव्यांश ने 4 मिनट 2 सेकेंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सो मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड हो जाओ थोड़ा सा 4 मिनट एंड 2 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चन दिव्यांश ने सॉल्व किए हैं 25 क्वेश्चन थे ओके तो आप लोगों को भी यही सेम चीज करनी है आप लोगों को क्या करना है ऐसे ही मतलब अपने मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन है उनकी मदद लेके वो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करेंगे एंड आपको अपने फिंगर्स के थ्रू ने कैलकुलेट करना है और साइड में आपको इस तरीके से अपने मोबाइल में टाइमर ऑन रख लेना है जैसे मैंने भी ऑन किया था ओके एंड धीरे धीरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार में आपकी स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा हो सकता है कि अगर आप और प्रैक्टिस करो तो इससे कम समय में भी आप कर सकते हो है ना 4 यहाँ पे एवरेज आप चाहो तो हो सकता है आप 3 मिनट्स में भी कर लो ओके तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हो उस चीज को ठीक है तो अब आप लोगों का काम क्या है ये असाइनमेंट है इसे आप लोगों को करना है एंड साथ ही साथ आपको टाइम लिखना है एक बार में आपका कितना हुआ अगर आप 2 बार भी ट्राई कर सकते हो 3 बार भी कर सकते हो ओके सो दिव्यांश नाउ यू कैन गो तो नाउ आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आई विल काउंट टिल 5 5 4 3 2 1 सो आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट नाउ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं ओके सो नाउ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं ओके तो हमारा टॉपिक क्या था हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला के साथ में यस और लास्ट क्लास में हमने प्लस वन और माइनस वन को अच्छे से देखा था उसके एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यस नाउ हम आज की क्लास में उसके आगे का देखेंगे दैट इज प्लस टू एंड माइनस टू ठीक है हम प्लस टू एंड माइनस टू का फॉर्मूला देखेंगे एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आपका होमवर्क रहेगा ओके सो स्टार्ट करते हैं ओके तो सी प्लस टू और माइनस टू का फॉर्मूला क्या है आप लोग मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 + 2 ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन 3 + 2 तो 3 कैसे होगा ये हमारा 3 हो गया 1 + 1 + 1 = 3 और इसमें हमें ऐड कितना करना है हमें ऐड करना है प्लस टू मतलब इसमें हमें 2 ऐड करना है यस तो 2 ऐड करो यहाँ पे यस देखो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ये देखो अगर मैं इन तीनों फिंगर को हटाऊं तो मेरे पास बचता क्या है बताओ क्योंकि ये तो 3 ऑलरेडी निकल चुका है इसका तो कुछ कर नहीं सकते अब जो बचा है मेरे पास वो क्या है मेरे पास एक थंब है जिसकी वैल्यू 5 होती है आप सबको पता है एंड मेरे पास एक ये लिटिल फिंगर है जिसकी वैल्यू 1 होती है ये भी आपको पता है तो मेरे को निकालना कितना है मुझे तो चाहिए 2 यस लेकिन मेरे पास 2 तो डायरेक्टली है नहीं मेरे पास या तो 5 है या तो ये 1 है ना अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला का हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास फिंगर अवेलेबल नहीं होते लेकिन हमारे पास उस सिचुएशन में 5 अवेलेबल होता है 5 इज आर हेल्पर है ना मैंने आपको बताया था कि 5 हमारे हर एक फॉर्मूला में हमारा हेल्पर होता है यस तो हमारा हेल्पर हमारी मदद करेगा यस तो हेल्पर को क्या करेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या कहता है हेल्पर को कर देंगे प्लस यानी प्लस मतलब अप तो हेल्पर हमारा 5 इसको अप कर देंगे यस एंड क्या बोल रहा है और -3 डाउन कर देंगे 3 - 3 मैंने डाउन कर दिया तो आंसर होगा 5 समझ आया यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ अगर मुझे +2 चाहिए जैसे इस क्वेश्चन में चाहिए था हमें +2 यहाँ पे 3 + 2 है तो मैं यहाँ पे +2 चाहिए था ना तो +2 का फॉर्मूला क्या कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास +2 ना हो तो आप क्या करोगे आप हेल्पर यानी 5 को एड कर दोगे एड मतलब उसको अप कर दोगे उस फिंगर को ऊपर उठा दोगे एंड जो आपका निकला हुआ ऑलरेडी -3 उसको मतलब जो आपका 3 है उसको डाउन कर दोगे 3 आपका क्या है फ्रेंड है ना 2 का फ्रेंड 3 होता है मैंने आपको एक रिलेशन बताया था फ्रेंडशिप का कि 1 का फ्रेंड 5 5 का फ्रेंड सॉरी 1 का फ्रेंड 4 एंड 4 का फ्रेंड 1 एंड 2 का फ्रेंड 3 एंड 3 का फ्रेंड 2 ये मैंने आपको बताया था ना फ्रेंडशिप तो यही फ्रेंडशिप है 2 का फ्रेंड 3 होता है यस एंड हेल्पर कौन होता है 5 होता है तो अगर हमें +2 चाहिए जैसे हमें यहाँ 3 + 2 में +2 चाहिए था तो हमने क्या किया हमने +2 का फ्रेंड कौन है -3 तो -3 कर दिया है ना +2 का फ्रेंड 2 का फ्रेंड कौन है 3 तो फ्रेंड बोलेगा मैं डाउन हो जाता हूँ तो 3 डाउन हो जाएगा और हेल्पर बोलेगा मैं अप हो जाता हूँ तो हेल्पर अप हो जाएगा तो आंसर कितना होगा थंब यानी 5 और 3 + 2 हम सबको पता है 5 होता है यस समझ आया +2 का क्या फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है आपको क्या करना है अगर आपको कभी भी +2 की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे 2 का फ्रेंड 3 है उसको डाउन कर देंगे एंड हेल्पर यानी 5 को अप कर देंगे
हेल्पर हर सिचुएशन में फाइव ही रहता है स्मॉल फ्रेंड फॉर्मुला में, ओके। तो हेल्पर यानी फाइव को हम अप कर देंगे एंड टू का फ्रेंड थ्री को हम डाउन कर देंगे। अगर हमें प्लस टू चाहिए तो प्लस टू किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमें प्लस टू की जरूरत है और हम डायरेक्टली नहीं कर सकते लेकिन हमारे पास फाइव अवेलेबल है, ये स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला फाइव जब अवेलेबल होते हैं तभी वर्क करते हैं। फाइव अवेलेबल नहीं हुआ फिर भी लगाओगे तो नहीं होगा, है ना। इसीलिए अगर आपके पास फाइव अवेलेबल हो और आपको प्लस टू करना है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, जब आपके पास आप डायरेक्टली प्लस टू नहीं कर सकते लेकिन आपके पास फाइव अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे टू के फ्रेंड थ्री को जो है डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड हेल्पर यानी फाइव को अप कर देंगे। समझ आया ना। यस, अभी हम देख लेते हैं माइनस टू का फॉर्मूला, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। माइनस टू का फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस टू का फॉर्मूला है जैसे आप ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो, फाइव माइनस टू तो ये फाइव है, यस थंब हमारा फाइव है, इसमें से हमें माइनस टू करना है तो माइनस टू यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास सिर्फ एक थंब है डाउन करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब ऑलरेडी क्लोज है यहाँ पे, है ना। सिर्फ हमारे पास ये थंब है, इस थंब में से हमें माइनस टू करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए माइनस टू का फॉर्मूला, ठीक है। क्या चाहिए, माइनस टू का फॉर्मूला। तो माइनस टू का फॉर्मूला क्या है, अगेन टू का फ्रेंड जो थ्री है, ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया टू का फ्रेंड थ्री, थ्री का फ्रेंड टू, तो टू का फ्रेंड जो थ्री है इस सिचुएशन में थ्री को हम अप कर देंगे। यहाँ पे प्लस टू में क्या कर रहे थे, टू का फ्रेंड थ्री को डाउन कर दे रहे थे, है ना। यहाँ पे आप एक चीज से ध्यान रख सकते हो, अगर प्लस टू करना है तो फ्रेंड माइनस में हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा, और अगर माइनस टू करना है तो फ्रेंड अप हो जाएगा, अपोजिट जाता है, ठीक है। और हेल्पर देखो साथ साथ जा रहा है, यहाँ पे प्लस टू था तो प्लस फाइव हो गया, यहाँ पे माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस फाइव होगा। समझ आया, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, फाइव माइनस टू है, तो माइनस टू का फॉर्मूला क्या, मैंने बोला कि प्लस थ्री कर देंगे यानी टू का फ्रेंड थ्री को हम अप कर देंगे, कर दिया मैंने अप, एंड माइनस फाइव कर देंगे यानी हेल्पर को माइनस कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो हेल्पर डाउन कर दिया मैंने। आंसर कितना दिख रहा है आपको, यस वेरी गुड, ये थ्री है तो आंसर थ्री होगा। समझ आया, तो यहाँ पे आपको कैसे इसको याद रखना है, पहला हमारा प्लस टू का फॉर्मूला है उसमें हमें क्या करना है, आपको माइनस थ्री करना है, टू का फ्रेंड जो है वो माइनस हो जाएगा, टू का फ्रेंड थ्री माइनस हो जाएगा मतलब डाउन हो जाएगा एंड प्लस फाइव हो जाएगा यानी हेल्पर अप हो जाएगा, ठीक है। फाइव इज द हेल्पर, वो अप हो जाएगा, ठीक है, जब आपको प्लस टू की जरूरत पड़े। और जब आपको माइनस टू चाहिए होगा तो माइनस टू में क्या करेंगे, माइनस टू में टू का फ्रेंड जो थ्री है उसको इस बार हम लोग अप कर देंगे और हेल्पर को डाउन कर देंगे। और याद रखने का क्या तरीका है कि अगर आपको प्लस टू करना है, अगर प्लस टू है तो आपका जो फ्रेंड यानी थ्री है वो अपोजिट जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा और हेल्पर साथ साथ जाएगा। अगर आप प्लस में हो तो हेल्पर भी प्लस में रहेगा, अगर आप प्लस में हो तो आपका जो फ्रेंड है यानी यहाँ पे जो थ्री है वो माइनस में चला जाएगा। ऐसे अगर आप माइनस में हो तो हेल्पर भी माइनस में जाएगा लेकिन फ्रेंड जो है प्लस में चला जाएगा, तो फ्रेंड और आप जो है अपोजिट साइड रहेगा और हेल्पर आपके साथ साथ रहेगा, ठीक है। समझ आया याद करने का तरीका, ओके। सो आई होप आप लोगों को प्लस टू एंड माइनस टू का फॉर्मूला समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके, रेडी टू सॉल्व, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये प्लस टू के तीन क्वेश्चन है, ओके, स्टार्ट करते हैं। 53, सो दिस इज सॉरी, इस हाथ में लेफ्ट हैंड में दिस इज 50 एंड दिस इज 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हमारा ये 50 हो गया और ये कितना हो गया 3, 53 कितना हमें ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है 22, 53 में कितना ऐड करना है 22, 22 में पहले हम लोग लेफ्ट हैंड में 20 ऐड कर लेंगे तो ये 10 और ये 10 20 और अपने राइट हैंड में हमें 2 ऐड करना है, प्लस 2 करना है ना, तो प्लस 2 कैसे करेंगे, अगेन देखो सेम चीज आ गई ना यहाँ पे, अब हमें प्लस 2 करना है लेकिन हमारे पास 5 और 1 अवेलेबल है, बस हम डायरेक्टली 2 नहीं कर सकते तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा यूज में, यस प्लस 2 का फॉर्मूला। तो प्लस 2 का फॉर्मूला क्या कहता है, वेरी गुड, प्लस 2 का फॉर्मूला कहता है कि 2 के फ्रेंड 3 को डाउन कर देंगे एंड हेल्पर को अप कर देंगे, यस। तो आंसर कितना होगा हमारा, ये कितना हो गया, ये हो गया 70, ये कितना हो गया 5, 75, समझ आया ना, वेरी गुड। तो आंसर कितना होगा हमारे यहाँ पे, आंसर होगा 75, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्या है 84, तो 84 में पहले 80 निकालेंगे लेफ्ट हैंड में, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80 एंड देन इसमें हमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, सो 1 + 1 + 1 + 1 4 ऐड किया 84 हो गया, यस। इसमें हमें कितना ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है 12, 84 हो गया इसमें हमें कितना ऐड करना है 12, तो हम लोग लेफ्ट हैंड में 10 ऐड करेंगे एंड राइट हैंड में 2 ऐड करेंगे, यस। तो लेफ्ट हैंड में 10 ऐड करने के फिंगर है तो ये मैंने उठा दिया, 10 ऐड हो गया और इसमें हमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, प्लस 2 करना है ना, क्योंकि 12 है तो 10 प्लस 2 12 होता है, तो इस हैंड में तो हमने 10 ऐड कर दिया था, ये लिटिल फिंगर को ऑफ कर दिया था, तो इसमें तो 10 ऐड हो गया लेकिन इसमें हमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है,
तो अब टू कैसे ऐड करेंगे? अगेन मेरे पास फिंगर है नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक थंब है, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, तो अगेन प्लस टू का फॉर्मूला यूज में आएगा। तो क्या फॉर्मूला है? प्लस टू के फ्रेंड थ्री को क्या करेंगे? डाउन कर देंगे, एंड हेल्पर को क्या करेंगे? अप कर देंगे। यस, समझ आया ना? ऐसे था ना। तो क्या फॉर्मूला था प्लस टू का? थ्री फिंगर्स डाउन कर देंगे एंड फाइव अप कर देंगे। तो आंसर कितना होगा? ये हमारा कितना हो गया? ये तो 90 है ना, ये 50 और ये 40, 90 और ये कितना है? वेरी गुड, ये 6 है, 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना हो गया? 96। समझ आया ना? वेरी गुड। तो इन सब क्वेश्चन में आपको प्लस टू का फॉर्मूला ही लग रहा है, तो आपको बस दो ही फॉर्मूला याद रखने, ज्यादा तो है नहीं, सिंपल से दो फॉर्मूलाज है, प्लस टू और माइनस टू, इतना तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा प्लस टू का? 73 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, ये 70 एंड हमें चाहिए 3, वो राइट हैंड में निकाल लेंगे, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये हो गया 73। आपको फिंगर रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो 73 ये हो गया हमारा, एंड इसमें कितना ऐड करना है? प्लस 12 करना है, ठीक है, 12। तो 12 में अगेन क्या करेंगे? 10 प्लस 2 होता है 12, तो राइट लेफ्ट हैंड में कितना ऐड करेंगे? 10, तो एक फिंगर है हमारे पास 10 के लिए, तो ये 10 अप कर दिया मैंने, यस। और इसमें हमें कितना ऐड करना है? प्लस 2 करना है ना, प्लस 2 करना है। अगेन हमारे पास फिंगर है क्या प्लस 2 डायरेक्टली करने के लिए? नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये लिटिल फिंगर है जिसकी वैल्यू 1 है, या तो मेरे पास थंब है जिसकी वैल्यू 5 है, तो अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? वेरी गुड, हमें करना है प्लस 2, यानी प्लस 2 का फॉर्मूला। प्लस 2 का फॉर्मूला क्या है? 2 के फ्रेंड 3 को डाउन कर देंगे एंड हेल्पर को अप कर देंगे, यस। समझ आया ना? ऐसे था मेरा फिंगर, तो मैंने क्या किया, मुझे प्लस 2 करना था, तो प्लस 2 का फॉर्मूला क्या है? 2 का फ्रेंड 3 डाउन हो जाएगा एंड हेल्पर अप हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा मेरे पास? ये कितना है? वेरी गुड, दिस इज 80, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 प्लस 30 इज 80 एंड दिस इज वेरी गुड, दिस इज 5, थंब सबसे पावरफुल होता है ना, इसकी वैल्यू 5 होती है, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया 5, 85 विल बी द आंसर, ओके। समझ आया ना? तो यहाँ पे मैं 85 लिख देती हूँ, 85। चलो, तो हमारा प्लस 2 का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था ये हो गया, अब हम करते हैं माइनस 2 का क्वेश्चन, ठीक है। प्लस 2 का आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ प्लस 2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर उसको आपको इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं, माइनस 3 प्लस 5, बस सिंपल सा है, ओके। अब हम आते हैं माइनस 2 की तरफ, तो माइनस 2 के भी 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 86, तो इसमें 80 लेफ्ट हैंड में 80 रिप्रेजेंट करेंगे, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, दिस इज 80 एंड हम लोग राइट हैंड में 6 रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज 5 प्लस 1 6 86। माइनस कितना करना है? माइनस करना है 72, यस। तो लेफ्ट हैंड में से कितना माइनस करेंगे? वेरी गुड, 70 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 10 रिप्रेजेंट करता है, तो 70 कैसे करेंगे? 50 डाउन एंड और 2 फिंगर डाउन, ठीक है, तो 50 डाउन करेंगे एंड 2 फिंगर्स और डाउन करेंगे, ऐसे मैंने 70 डाउन कर दिया, ठीक है। और हमें कितना डाउन करना है? 2 डाउन करना है, ठीक है। अब माइनस 2 करना है, मतलब माइनस 2 मतलब 2 फिंगर डाउन करना है, तो ये हम राइट हैंड में करेंगे, बिकॉज राइट हैंड हमारा 1 रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें से 2 डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास क्या है? डायरेक्टली 2 डाउन नहीं कर सकते, या तो हम 5 डाउन कर पाएंगे या तो हम ये 1 फिंगर डाउन कर पाएंगे, हमें तो क्या कितना डाउन करना है? हमें तो 2 डाउन करना है ना। तो अगेन हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा? इस बार हमारे पास फॉर्मूला आएगा माइनस 2 का। माइनस 2 का फॉर्मूला क्या कहता है? कि 2 के फ्रेंड 3 को इस बार हम क्या करेंगे? अप कर देंगे एंड हेल्पर को इस बार डाउन कर देंगे, यस। ऐसे था ना? तो मैंने क्या किया, टू माइनस 2 का फ्रेंड मतलब 2 का फ्रेंड जो 3 है उसको अप कर दिया मैंने, है ना, प्लस कर दिया एंड जो हेल्पर उसको मैंने डाउन कर दिया, तो आंसर कितना आया मेरे पास? ये हो गया 10, ये हो गया 4, सो 10 प्लस 4 इज 14, तो आंसर हमारा होगा 14। समझ आया ना? ओके, सो यहां मैं लिख देती हूँ आंसर आपका 14, ओके। सो नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 76 माइनस 22, अगेन इस हैंड में 70 निकालेंगे, सो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, दिस इज 70 एंड दिस इज 6, है ना, 50 प्लस 5 प्लस 1 6 एंड दिस इज 70, 76 हो गया, इसमें से कितना माइनस करना है? 22, तो पहले 20 माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड में से, तो ये मैंने 2 10 के फिंगर डाउन कर दिए, 20 माइनस हो गया एंड कितना करना है? माइनस 2 करना है हमारे राइट हैंड में से, यस, 22 माइनस करना था तो 20 मैंने लेफ्ट हैंड में से कर दिया एंड अब 2 हमें किस में से करना है? राइट हैंड में से, तो माइनस 2 करेंगे। अगेन देखो सेम प्रॉब्लम आ गई, माइनस 2 डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे या तो मैं माइनस 5 कर सकती हूँ या तो मैं माइनस 1 कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो माइनस 2 कर रहे हैं, तो अगेन हमारे पास आएगा फॉर्मूला माइनस 2 का। तो माइनस 2 का फॉर्मूला क्या है?
टू के फ्रेंड थ्री को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब अप कर देंगे। तो ये मैंने थ्री अप किया एंड हेल्पर यानी फाइव को डाउन कर देंगे। वेरी गुड, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। कितना आंसर है बताओ? वेरी गुड, दिस इज 50 एंड दिस इज 4, सो आंसर विल बी 54। समझ आया ना? ऐसे था तो मैंने क्या किया, मैंने ये मैंने माइनस टू का फॉर्मूला लगाया, तो टू के फ्रेंड थ्री को अप कर दिया एंड हेल्पर को डाउन कर दिया, इसलिए हमारा आंसर आया 54। ओके, सो नाउ यहां मैं लिख देती हूँ 54। ओके, नाउ हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन जो है माइनस टू का उसका वो देख लेते हैं क्या है। 85, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, दिस इज 80 एंड दिस इज 5। 85 माइनस कितना करना है, माइनस हमें करना है 32, ठीक है, माइनस 32। तो माइनस 32 में पहले 30 माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड में से, तो ये मैंने 30 डाउन कर दिया, है ना, 30 माइनस हो गया। और कितना माइनस करना है, माइनस 2 करना है, तो अपने राइट हैंड में से माइनस 2 करेंगे। अगेन हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमारे पास सिर्फ एक थंब है जिसकी वैल्यू 5 है, हमें तो माइनस 2 करना है। तो अगेन हमारे पास माइनस 2 का फॉर्मूला आएगा, दैट इज प्लस 3, यानी 2 के फ्रेंड 3 को अप कर देंगे एंड हेल्पर यानी 5 को डाउन कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, दिस इज 50 एंड दिस इज 3, 53। समझ आया ना? ऐसे था तो मैंने क्या किया, माइनस 2 का फॉर्मूला लगाया, दैट इज 3, मतलब जो 2 का फ्रेंड 3 है उसको अप कर देंगे एंड हेल्पर यानी 5 को डाउन कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारा 53। यस, नाउ मैं आंसर लिख देती हूँ 53। ओके, नाउ हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा मिक्स्ड है, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, तो ये वाला हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 63 निकालो, 50 प्लस 10 60 एंड दिस इज 3, 63 माइनस सॉरी प्लस कितना करना है, प्लस हमें करना है 22, यस प्लस 22 करेंगे यहाँ पे, तो 20 पहले ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो ये 10 ये 10 20 हो गया एंड हमें कितना और ऐड करना है, प्लस 2। अब देखो अगेन हम प्लस 2 नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमारे पास या तो 5 है या तो 1 है, लेकिन ऐड तो प्लस 2 करना है ना, तो प्लस 2 का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास है 2 का फ्रंट 3 को हम डाउन कर देंगे एंड हेल्पर को अप कर देंगे। समझ आया ना? ऐसे था तो हमें क्या करना था, प्लस 2, तो प्लस 2 का फॉर्मूला क्या है, 2 का फ्रंट 3 वो डाउन हो जाएगा एंड हेल्पर अप हो जाएगा। सो आंसर कितना आएगा, अभी तक कितने आंसर है हमारे पास, अभी तक है हमारे पास ये 80 और ये 85, लेकिन अभी क्वेश्चन बचा है, ठीक है। देखो अब क्या करना है, हमें माइनस 5 करना है, माइनस 5 कर देंगे, तो माइनस 5 हम किस में से करेंगे, राइट हैंड में से, ना थंब डाउन कर देंगे, माइनस 5 हो गया क्योंकि थंब की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। और क्या करना है, प्लस 6 कर देना है, सिंपल है, प्लस 6। तो हमें क्या करना है, अगेन हमारे राइट हैंड में प्लस 6 कर देना है, बिकॉज क्या है, राइट हैंड 1 रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए इसमें अगेन हम प्लस 6 कर देंगे। सो 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना आएगा हमारा, फाइनल आंसर दिस इज 80 एंड दिस इज 6, 86 विल बी द फाइनल आंसर। समझ आया ना? वेरी गुड, तो यहाँ पे 86 मेरा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ था प्लस 2 का, तो बस यहाँ पे हमने अपना प्लस 2 एंड माइनस 2 का फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लस 2 का माइनस 3 प्लस 5 एंड माइनस 2 का प्लस 3 माइनस 5। इतना सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपने दिमाग में याद रखना है एंड उससे रिलेटेड हमने आज क्वेश्चंस किए हैं। अब इससे पता चल जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं, अगर आप ये होमवर्क कर लेते हो, ये चार आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है, इसमें प्लस 2 एंड माइनस 2 दोनों का यूज हुआ होगा, यूज है, ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लेना। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे क्लास को एंड करती हूँ, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अपना होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए टेक केयर एंड